हे गाइस वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करने वाले, कैमरा कंपैरिजन। एक तरफ हम लोग के पास आईफोन 12 है और दूसरी तरफ हम लोग के पास एक DSLR कैमरा है, तो दोनों का यहाँ पर हम लोग कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। गाइस इस टाइम जो हम लोग के पास DSLR है वो कैनन का EOS 800D है, 800D, और जो लेंस लगा हुआ है वो 18-55 mm बेसिक किट लेंस लगा हुआ है, जो सबसे बेसिक वाला होता है। दूसरी तरफ हम लोग के पास आईफोन 12 है, जो हम लोगों का यहाँ पर जो कैमरा है वही 12 मेगापिक्सल के बैक है। और बाकी मैं कैमरे की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, एपर्चर और दुनिया भर की चीज़ें, क्योंकि वो सब आप नेट में भी पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपको कैसा परफॉर्मेंस है दोनों कैमरा अगर कंपेयर करते हैं। और जो हम लोग कैमरा को ऑपरेट करेंगे वो ऑटो मोड में भी करेंगे और मैनुअल मोड में भी करेंगे, जो DSLR कैमरा है, ताकि आपको समझ में आए दोनों में कि क्या क्या फ़र्क एक्चुअली में हो सकता है। तो दोनों में ऑपरेट करेंगे, और आईफोन में हम लोग का सिर्फ ऑटो मोड होता है, तो हम लोग उसको ऑटो में ऑपरेट करेंगे। तो गाइज आइए आते हैं वीडियो के अंदर, और अलग अलग सैम्पल्स लाइक डे मोड, नाइट मोड, वीडियो और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कैमरे से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग कंपेयर करेंगे हर एक तरह की कंडीशंस में कि कैसा क्या है। तो गाइज आइए आते हैं वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अमन सचान, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आईफोन 12 का कैमरा ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, और यहाँ पर सेम फ़ोटो हम लोग अपने DSLR कैमरे से भी क्लिक करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आया है। यहाँ पर हम लोग एकदम जैसी फ़ोटो इसमें लिए एकदम सेम वैसे ही लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बाकी मैं आगे सैंपल्स मैंने लिए हुए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों सैंपल्स अलग अलग, एक तरफ आईफोन 12 है एक तरफ DSLR है। आप देख सकते हो यहाँ पर DSLR में एक पॉइंट को फोकस करके अगर आप देखो बाकी आसपास का बैकग्राउंड ब्लर करने की बात हो तो वो DSLR में आपको ज़्यादा अच्छी दिखेगी, लेकिन अगर कलर डिटेलिंग की बात करें तो वो आपको आईफोन 12 में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू DSLR। आप ये चीज़ साफ देख सकते हो, मेंशन मतलब साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये चीज़। यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा फ़ोटो चेंज हो गई हल्की सी, बाकी कलर डिटेलिंग आप देख सकते हो आईफोन 12 में बहुत अच्छी है, और DSLR में ऑटो मोड की यहाँ पर हम लोग बात करें ऑटो मोड में थोड़ी सी मुझे कम लगी। बाकी अभी हम लोग डे लाइट के सैंपल्स देख रहे हैं, आगे चल के हम लोग नाइट के, लो लाइट के और अलग अलग सैंपल्स देखेंगे, तो उसमें आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा। डे में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस फोटो में आप देखो जो DSLR की फ़ोटो उसने एकदम एक पॉइंट को फोकस करके बाकी चीज़ें कैप्चर करी, और यहाँ पर आप देख सकते हो आईफोन 12 में जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको, उसकी डिटेल आप देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ऑरेंजिस बैकग्राउंड आपको आईफोन 12 में दिख रहा है, लेकिन वो चीज़ DSLR ने नहीं दिखाई है ऑटो मोड में, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी। बाकी ओवरऑल फ़ोटोज़ डे लाइट में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत कुछ खास डिफरेंस नहीं है। कई जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं लाइट कम होती जा रही है फ़ोटोज़ में, आप देख सकते हो यहाँ पर DSLR में आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर ग्रेनी सी फ़ोटोज़ आ रही हो, लेकिन आईफोन 12 का जो नाइट मोड है यार वो वाकई में मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लायक है, वो बहुत तगड़ा है। इवन फ्रंट कैमरे में भी नाइट मोड आ गया आईफोन जो 12 अपनों के 12 सीरीज़ है उसमें पूरे में। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट कम होती जा रही, वैसे वैसे फ़ोटोज़ में आपको ग्रीन समझ में आ रहे होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर है। लेकिन अगर बात करें DSLR की, तो बैकग्राउंड ब्लर करने के मामले में यार मतलब लिटरली उससे ज़्यादा जो सिनेमैटिक इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप देखते हो DSLR की ये फ़ोटो, ये आईफोन 12 की है, और यही सेम फ़ोटो हम लोग की फ़्लैश के साथ हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ़्लैश में बैकग्राउंड डिटेल्स 12 ने अच्छी मेंटेन करी है एज़ कम्पेयर टू DSLR। यहाँ पर इस फ़ोटो की बात करें तो इसमें भी सेम है। अगर इस फ़ोटो को अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो पीछे जो बैकग्राउंड में यहाँ पर पेड़ हैं उनको DSLR ने थोड़ा ओवर एक्सपोज कर दिया है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12, तो उसने वहाँ पर सब कुछ मेंटेन रखा है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बहुत लो लाइट में, तो आप देख सकते हो DSLR ने काफ़ी सही काम किया, और जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से इन्हेंस किया है और अच्छे से एडजस्ट किया है। ये सारी फ़ोटोज़ ऑटो मोड में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो फेस के दोनों साइड कलर का है वो DSLR ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है एज़ कम्पेयर टू आईफोन। लेकिन अगर थोड़ी सी लाइट सही है तो वहाँ पर आप देख सकते हो आईफोन की आपको फ़ोटो ज़्यादा बेटर लग रही होगी। अब ये फ़ोटो यहाँ पर हम लोगों ने ऑटो मोड में ली है, और ये फ़ोटो हम लोगों ने मैनुअल मोड में ली है। तो आप देख सकते हो मैनुअल मोड में DSLR आईफोन 12 से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वर्क करता है, लेकिन अगर ऑटो मोड की बात करें तो ऑटो मोड में आईफोन 12
ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब ओवरऑल अगर आप जल्दी से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आपको आईफोन 12 की फ़ोटो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर लगेगी अगर आप ऑटो मोड में लेते हो, और अगर आपको DSLR चलाना आता है मैनुअल मोड तो फिर आप DSLR से ज़्यादा बेटर फ़ोटोज़ ले सकते हो। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर हम लोगों को वाइड एंगल लेंस मिलता है आईफोन 12 में, तो वो हम लोगों ने आपको दिखाया है। बात करें जूम लेंस की, तो आईफोन में जूम डिस्टल है तो उसको हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये वीडियो है हम लोगों का। और अभी मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों का वीडियो, यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर हम लोग सन की तरफ भी ले जाकर देखते हैं और नॉर्मली नीचे ऊपर सब जगह करके देख रहे हैं। और अभी मैं नॉर्मली चल रहा हूँ उस टाइम, आप देख सकते हो। और अभी मैं आपको दौड़ कर भी यहाँ पर दिखाऊंगा। और अभी हम लोग सन के अपोजिट साइड है तो आप देख सकते हो, और अभी मैं यहाँ पर दौड़ कर दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं दौड़ रहा हूँ, काफ़ी तेज़ दौड़ रहा हूँ, तो वहाँ पर आप स्टेबलाइजेशन भी चेक करके देख सकते हो कि किसका स्टेबलाइजेशन कितना है यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर आपने डे लाइट में स्टेबलाइजेशन और साउंड देखा, अभी नाइट में यही सेम चीज़ देखिए। ये इस टाइम हम लोगों का रिकॉर्ड हो रहा है दोनों, एक आईफोन 12 से और यहाँ पर हम लोगों का DSLR है। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको भी दिखा देता हूँ और भी चीज़ें। आवाज़ जो इस टाइम आपको सुनाई दे रही है वो दोनों का अलग अलग सुनाई दे रहा होगा, दोनों से आवाज़ है यहाँ पर। और जो यहाँ पर हम लोगों का स्टेबलाइजेशन है वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। अभी इस टाइम ये रात का हम लोगों का वीडियो है, और अभी मैं इस टाइम नॉर्मल चल रहा हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ। अभी मैं दौड़ कर भी यहाँ पर दिखाऊंगा, और इस टाइम आप देख सकते हो मैं दौड़ रहा हूँ। तो दौड़ने में आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हो। मैं फिर से यहाँ पर एक बार आता हूँ और दौड़ कर दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़ यहाँ पर आपने दोनों का वीडियो सैंपल्स देखे, स्टेबलाइजेशन देखा किसका ज़्यादा बेटर था। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो आईफोन 12 यार मतलब अगर आप क्विक फ़ोटो लेना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सही है। इवन इस बार जो सेंसर्स दिए गए हैं वो काफ़ी बड़े सेंसर्स हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फ़ोटो वाइज मुझे बहुत सही लगा। इवन मतलब अगर आप बात करें वीडियो वाइज़, तो वीडियो वाइज़ मुझे आईफोन 12 ज़्यादा बेटर लगा DSLR में, लेकिन अगर फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो में मुझे DSLR पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको DSLR चलाना आता है अच्छे से मैनुअल मोड तो आप फिर बेटर फ़ोटोज़ ले सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपको कौन सा वीडियोज़ या फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगी। वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे। नमस्कार, धन्यवाद।